नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल MBSpeaks पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमला हुआ था और उस हमले के पीछे ये कहा जा रहा था कि हमलावर की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, लेकिन ये घटना तो पिछले हफ्ते अंजाम दी गई थी। मगर भारत के केरल में इसी तरह की एक घटना 12 साल पहले अंजाम दी गई थी, जब एर्नाकुलम जिले के मुवत्तुपुझा इलाके में एक प्रोफेसर पर कातिलाना हमला किया गया था। ये किस्सा 2010 का है, जब दरअसल एर्नाकुलम में रहने वाले प्रोफेसर TJ जोसेफ अपने परिवार के साथ कार से घर लौट रहे थे। तभी उन पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवाई और उन पे चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावरों को देख करके उनकी माँ और उनकी पत्नी चिल्लाने लगे तो बदमाशों ने उन्हें भी पकड़ लिया, फिर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। इसी बीच उन्हीं बदमाशों में से किसी ने कहा कि ये बायां हाथ है, तब उन लोगों ने उस दाहिने हाथ को पकड़ के उस पे चाकू से वार किए, जिसमें वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गए थे। ये पहला मौका था जब इस निंदा के लिए किसी हमले के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI का नाम सामने आया था। घटना उनके घर के बेहद नज़दीक हुई थी, लेकिन उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें कोच्चि के हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। वहाँ करीब 17 घंटे की सर्जरी के बाद उनके हाथ के जख्मों को ठीक किया जा सका। दोस्तों, यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर प्रोफेसर जोसेफ पे हमला क्यों हुआ, किसने किया? ये भी कहा जा रहा है कि प्रोफेसर जोसेफ जिस कॉलेज में BCom पढ़ाते थे, वहीं उन्होंने BCom सेकेंड ईयर की परीक्षा के लिए एक पेपर तैयार किया था। उसी पेपर में मोहम्मद शब्द लिखा हुआ था। पेपर का 11वां सवाल उनकी ज़िंदगी का सवाल बन गया था, क्योंकि उस सवाल में पैगंबर से संबंधित एक सवाल जुड़ा था, जिसे धार्मिक मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपनी आस्था से जोड़ लिया। और उसके 4 महीने के बाद प्रोफेसर पे 8 लोगों ने कातिलाना हमला कर दिया। इन दिनों प्रोफेसर आयरलैंड में अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं, अपना इलाज भी करवा रहे हैं। प्रोफेसर किसी भी सूरत में सामने आकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। प्रोफेसर पे हुए हमले के पीछे प्रतिबंधित संगठन PFI का हाथ है, और घटना के बाद प्रोफेसर ने जो बयान पुलिस को दिया, उसके अकॉर्डिंग हमलावरों में से एक ने यह कहा था कि तुमने इसी हाथ से पैगंबर का अपमान किया था, लिहाजा अब इस हाथ को कभी भी तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। प्रोफेसर जोसेफ के मुताबिक सारा वाकया मार्च 2010 में शुरू हुआ था, जब वो न्यू मैन कॉलेज में पढ़ाते थे। BCom सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए प्रश्न पत्र सेट करना था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और उन्होंने पंक्चुएशन यानी कि कॉमा, सेमीकॉलन, एपोस्ट्रॉफी के टेस्ट के लिए एक प्रश्न तैयार किया था। उस वक्त प्रश्न पत्र का 11वां सवाल था ये। और प्रोफेसर जोसेफ ने असल में उन्होंने फिल्म डायरेक्टर की एक फिल्म डायरेक्टर हैं PT कुंजू, और उनकी किताब है जो मोहम्मद साहब से रिलेट करती है। किताब का नाम है थिराकथा आयुधे रीतिशस्त्रम, को केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज के लिए निर्धारित किया गया था। और उसी किताब में से एक पैराग्राफ प्रश्न पत्र के लिए लिया गया था। प्रोफेसर जोसेफ के अकॉर्डिंग कट्टरपंथियों ने उनको ये बात जब वो उनको मार रहे थे उस समय भी कही, और जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उन्हीं लोगों ने उन पे हमला किया। और इस हमले से पहले काफ़ी प्रदर्शन भी हुए थे, और वो पेपर संवेदनशील इलाकों में बांटे गए थे। प्रोफेसर जोसेफ ये कहते हैं कि एक पेपर सामने आने के एक हफ्ते के बाद इतना ज़्यादा मैटर बढ़ गया है, जिसने डर पैदा कर दिया। डर इस बात का लग रहा था कि उस पेपर की वजह से इस्लामिक संगठन इसमें शामिल हो गए थे। इसी बीच कॉलेज ने भी सपोर्ट नहीं किया। अब इस सिलसिले में जब कॉलेज ने लिखित जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके बाद अप्रैल के शुरुआत में ही 1 हफ्ते वो जेल में भी रहे। केरल पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 लगाई। मैं आपको बता दूं कि ये धारा लोगों की धार्मिक आस्था को आहत करने के आरोप लगाती है, लिहाजा पुलिस ने उन्हें इस निंदा के इल्जाम में गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उनको बेल मिल गई। प्रोफेसर जोसेफ के मुताबिक प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद करीब 1.5 महीने के दौरान 3 हमले उन पे हुए थे। हालांकि पहले 3 हमलों में वो बच गए, लेकिन जो चौथा हमला था वो बड़े ही प्लान तरीके से किया गया था, जिसमें उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल हिला दिया। वो एकदम ज़िंदगी की पटरी से नीचे उतर आए थे, ठीक उसी तर्ज पे जैसा कि सलमान रुश्दी पे हमला हुआ है। 1988 में सलमान रुश्दी की किताब आई थी, सैटेनिक वर्सेस, बड़ी फेमस किताब है, बहुत इसका नाम हुआ था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है शैतानी आयातें। इस किताब को लेकर के इस्लामिक कट्टरपंथियों की धार्मिक आस्थाएं आहत हुई और सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया गया। यहाँ तक कि उस किताब पर दुनिया के कई देशों में पाबंदी लगा दी गई, लेकिन हमला उन पे 34 साल के बाद हुआ। तो ये भी बात बहुत गौर करने की है कि 34 साल के बाद उन पे हमला होता है। और ऐसा ही हमला जैसा कि मैंने आपको बताया कि केरल के एक प्रोफेसर पे भी हुआ। और ये जो संगठन है ये प्रतिबंधित है, अक्सर गाय बगाए इसका नाम सामने आता रहता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI। अब प्रोफेसर के कॉलेज प्रबंधन ने जब उनसे जवाब मांगा, जो कुछ भी उस समय हुआ होगा उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन वो लोग जेल में भी, कुछ दिन वो प्रोफेसर जेल में भी रह कर के आए और अब वो इस देश में नहीं रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसी वारदातें करते हैं लेकिन उसका खामियाजा पूरी कौम भुगतती है। पूरी कौम को कई बार ऐसी घटनाओं पे शर्मसार होना पड़ता है और कुछ लोग ऐसी घटना करके सीना चौड़ा करके चलते हैं कि हमने ये कर दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस कंटेंट पे? आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी और कंटेंट के साथ, किसी और स्टोरी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।